देवताओं के विनाशकारी 11 अस्त्र शस्त्र, जानिए कौन से हैं सबसे शक्तिशाली। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो 11 हथियार कौन से हैं जिनसे पल भर में दुनिया खत्म हो सकती है? जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसे 11 हथियार हैं जिनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर आपको इन हथियारों के नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताना, ये वीडियो आपके धार्मिक ज्ञान की परीक्षा लेगा। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा और इन अद्भुत हथियारों के बारे में जानिए। विजय धनुष, महाभारत के महायोद्धा कर्ण का अजेय धनुष। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विजय धनुष की। महाभारत के युद्ध में कर्ण के हाथों में जो धनुष आपने देखा होगा, वो कोई मामूली धनुष नहीं था। वो था विजय धनुष, जो खुद भगवान शिव का था। विजय धनुष को बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा थे। इस धनुष की खासियत ये थी कि जो भी इसे पकड़ता था, उसे युद्ध में कभी हार नहीं होती थी। कर्ण जैसा महान योद्धा भी इस धनुष की ताकत के आगे झुकता था। विजय धनुष का हर तीर अपने निशाने पर लगता ही लगता था। ये धनुष ताकत और जीत का प्रतीक था। पिनाक धनुष प्रलय का प्रतीक, भगवान शिव का महाशस्त्र। अब बात करते हैं पिनाक धनुष की। यह कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि खुद भगवान शिव का पसंदीदा धनुष था। पिनाक धनुष को देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा ने ही बनाया था। कहते हैं कि जब भगवान शिव ने इस धनुष को पहली बार उठाया था तो पूरी दुनिया हिल गई थी। पिनाक धनुष से निकला हुआ एक भी तीर कभी खाली नहीं जाता था, और जिस पर भी ये तीर चलता था उसका खात्मा तय था। या कि ये धनुष भगवान शिव की ताकत और गुस्से का प्रतीक था। पिनाक धनुष के बारे में हमें पुराणों में पढ़ने को मिलता है। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का विनाशकारी अस्त्र, जिसके आगे सब कुछ खाक। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की। ये हथियार खुद दुनिया के रचयिता ब्रह्मा जी का था। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी रास्ता होने पर ही किया जाता था, क्योंकि इसकी ताकत अकल्पनीय थी। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। ब्रह्मास्त्र का जिक्र हमें रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। ये हथियार सचमुच में देवताओं के हथियारों में से एक बहुत ही खतरनाक और भयानक हथियार था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भगवान विष्णु के अचूक हथियार नारायणास्त्र की। ये हथियार खुद पालनहार भगवान विष्णु का था। नारायणास्त्र का इस्तेमाल सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए ही किया जाता था, और ये हथियार कभी भी खाली नहीं जाता था। जिस पर भी ये हथियार छोड़ा जाता था, उसका विनाश तय था। नारायणास्त्र की एक और खासियत ये थी कि ये हथियार अपने निशाने पर लगने के बाद वापस अपने चलाने वाले के पास आ जाता था। ये हथियार भगवान विष्णु की ताकत और न्याय का प्रतीक था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे देवराज इंद्र के पसंदीदा हथियार वज्र की। यह हथियार खुद इंद्र देव का था, और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह बिजली का ही एक रूप था। वज्र को खुद देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा ने बनाया था। यह हथियार इतना ताकतवर था कि इसके एक ही बार से पहाड़ों को तोड़ा जा सकता था और समुद्र को सुखाया जा सकता था। वज्र का इस्तेमाल इंद्रदेव द्वारा राक्षसों को मारने के लिए किया जाता था। ये हथियार इंद्रदेव की ताकत और पराक्रम का प्रतीक था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भगवान शिव के त्रिशूल की। यह हथियार खुद शिव जी का था, और इसकी तीन नोकों में तीनों लोकों को जीतने की ताकत थी। त्रिशूल को खुद भगवान शिव ने बनाया था, और यह हथियार उनकी ताकत का प्रतीक था। त्रिशूल के तीन नोकों को सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल का इस्तेमाल भगवान शिव द्वारा राक्षसों को मारने के लिए किया जाता था।
यचंगश्यः। यह हथियार उनकी ताकत और न्याय का प्रतीक था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की। ये चक्र खुद विष्णु जी का था और इसकी तेज धार के आगे कोई भी अत्याचारी नहीं टिक सकता था। सुदर्शन चक्र को खुद देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा ने बनाया था। ये चक्र इतना तेज था कि ये पलक झपकते ही अपने दुश्मन को खत्म कर सकता था। सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल भगवान विष्णु द्वारा राक्षसों को मारने और धर्म की स्थापना के लिए किया जाता था। ये चक्र उनकी ताकत और न्याय का प्रतीक था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यमराज के काल दंड की। ये दंड खुद मौत के देवता यमराज का था और इसे छू लेने से ही प्राणियों की जान निकल जाती थी। काल दंड को खुद भगवान ब्रह्मा ने बनाया था और ये दंड यमराज के न्याय का प्रतीक था। काल दंड का स्पर्श हर प्राणी को एक न एक दिन जरूर करना ही पड़ता है। काल दंड का इस्तेमाल यमराज द्वारा प्राणियों के पापों का हिसाब करने और उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से सजा देने के लिए किया जाता था। अग्निबाण, अग्निदेव का तेज जिसके आगे सब कुछ भस्म। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अग्निदेव के अग्निबाण की। ये बाण खुद अग्निदेव का था और इसकी आग किसी भी चीज को पल भर में जलाकर राख कर सकती थी। अग्निबाण को खुद देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा ने बनाया था। ये बाण अग्निदेव की ताकत और प्रचंडता का प्रतीक था। अग्निबाण का इस्तेमाल अग्निदेव द्वारा राक्षसों को मारने और बुरी ताकतों को खत्म करने के लिए किया जाता था। पाशुपतास्त्र, भगवान शिव का परम अस्त्र, सर्वनाश का कारण। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भगवान शिव के परम हथियार पाशुपतास्त्र की। यह हथियार खुद शिव जी का था और इसकी ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। कहते हैं कि पाशुपतास्त्र का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी रास्ता होने पर ही किया जाता था, क्योंकि यह पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता था। पाशुपतास्त्र को खुद भगवान शिव ने बनाया था। इस हथियार का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को इसके नतीजों के बारे में अच्छी तरह से पता होता था। ब्रह्मशिर, ब्रह्मा जी का गुप्त अस्त्र, सृष्टि का अंत। दोस्तों, अंत में हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के गुप्त हथियार ब्रह्मशिर की। यह हथियार खुद दुनिया के रचयिता ब्रह्मा जी का था। कहते हैं कि ब्रह्मशिर का इस्तेमाल सिर्फ सृष्टि के अंत में ही किया जाता था, क्योंकि यह पूरी दुनिया को समेटने की ताकत रखता था। ब्रह्मशिर को खुद ब्रह्मा जी ने बनाया था। इस हथियार की जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी। दोस्तों, देवताओं के इन 11 हथियारों की कहानियां सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। इनकी ताकत और प्रभाव को सोचकर ही रोमांच होता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति और विश्वास का अहम हिस्सा है। अब बारी है आपकी। क्या आप इन 11 हथियारों में से उन 2 हथियारों के नाम बता सकते हैं जिनका जिक्र मैंने नहीं किया? सोचो, ध्यान से सोचो। शायद आप कहोगे इंद्रास्त्र, जी नहीं, तो फिर पाशुपतास्त्र, वो भी नहीं, यमराज का काल दंड, नहीं, नहीं, नहीं। चाहे आप कितना भी सोच लो, सही अंदाजा नहीं लगा पाओगे। चलो मैं ही बता देता हूं, वो 2 हथियार हैं मानसिक बल और आध्यात्मिक शक्ति। जी हां दोस्तों, ये दोनों ही हथियार सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनके जरिए हम न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे